भोजपुर के समस्त जनता को आने वाले समय में स्वास्थ्य का बहुत ही बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जो आरा का सदर अस्पताल है ये अब मॉडर्न सदर अस्पताल बनने की कवायद यहां पर शुरू हो चुकी है। लगभग 40 से 41 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न सदर अस्पताल 500 बेड का तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर दो पार्ट में सदर अस्पताल का यूनिट तैयार किया जा रहा है। पहले पार्ट में 4 यूनिट बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक यूनिट जो ये सामने हमारे है इसमें लॉन्ड्री, पैथोलॉजी और फूडिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो सेकेंड यूनिट है, दूसरा यूनिट, इसमें ओपीडी और इत्यादि चीजें रहेंगी। तीसरे यूनिट में इमरजेंसी और ब्लड बैंक की सुविधा होगी। और चौथे यूनिट में जितने भी वार्ड होते हैं, जैसे कि मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, प्रसूति वार्ड, वो सारे वार्ड चौथे वार्ड में शिफ्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट सदर अस्पताल का बनाया जाएगा उसमें MCH बनाया जा रहा है, मदर चाइल्ड हेल्थ, उसमें माँ और बच्चे से संबंधित सारी सुविधाएं की तैयार की जाएंगी। बताते चले कि पहला जो वार्ड है, पहला यूनिट है, वो सारा यूनिट चारों बन करके सितंबर 2024 में तैयार हो जाएगा। और दूसरा जो यूनिट है MCH जो बनाया जा रहा है वो 2025 के अक्टूबर तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पहला 4 यूनिट जो बनाया जा रहा है वो 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, और दूसरा यूनिट जो MCH क्या है वो लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ये हमारा जो सदर अस्पताल है 1937 का बना हुआ था अंग्रेजों के टाइम का, उसमें बेड की संख्या कम था, और अब जो है आदर्श मॉडल हॉस्पिटल बनाया जा रहा है 500 बेडेड का बिहार सरकार के द्वारा। तो उसमें दो भाग है, एगो मॉडर्न सदर हॉस्पिटल और दूसरा विभाग है MCH। मॉडर्न सदर हॉस्पिटल का निर्माण कम से कम अभी 30% 40% पूरा हो गया है, और जो सितंबर 2024 में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा, जो पब्लिक के लिए समर्पित हो जाएगा। और जो दूसरा भाग है MCH का, वो अक्टूबर 2025 में पूरा हो जाएगा। अभी इसमें तमाम तरह की सुविधाएं होगी, जैसे हमारा OPD चलेगा, सेंट्रलाइज लैब चालू हो जाएगा, और टोटल हमारे पास जितने भी वार्ड है, मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, बर्न वार्ड, प्रसूति वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, सब उसमें शिफ्ट कर जाएगा। इमरजेंसी विभाग भी उसी में चला जाएगा। दूसरा जो यूनिट बनेगा MCH का, उसमें पूरी तरह से वो समर्पित रहेगा मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए, और उसमें जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका कनेक्शन भी रहेगा। लगभग 200 से 300 बेडों पे हमारे पास ऑक्सीजन का कनेक्शन रहेगा, जो प्लांट से जुड़ा हुआ रहेगा। इसमें ऑक्सीजन कितना लाभ मिलेगा, आरा के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ पे जो सुविधाएं शुरू हो जाएगी, इस लिए उनको बहुत हद तक पटना नहीं जाना पड़ेगा, उसका इलाज यहीं हो जाएगा। तो डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी? हाँ, कुछ विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाई जाएगी, सुपर स्पेशलिस्ट की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। हॉस्पिटल मैनेजर जो आरा सदर अस्पताल के हैं कौशल कुमार दुबे, उनका कहना है कि 500 बेड का बहुमंजिला इमारत यहां पर तैयार किया जा रहा है, और जो आरा के मरीजों को सदर अस्पताल से डायरेक्ट पटना रेफर किया जाता है और PMCH एम्स भेजा जाता है, उन लोगों को खासा यहां पर सुविधा दिया जाएगा और पटना और एम्स PMCH जैसे जगहों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखने वाली बात होगी कि इतने बड़े सदर अस्पताल का निर्माण होने के बाद आरा के जनता को कितना लाभ पहुंच पाता है और वास्तविकता में कितनी सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि दावा है कि यहाँ पर 100 से 150 डॉक्टर भी अवेलेबल होंगे मरीजों का उपचार करने के लिए। अभी जो डॉक्टर अवेलेबल है वो 45 से 50 है, लेकिन मॉडर्न सदर अस्पताल बनने के बाद लगभग 100 से 150 डॉक्टर अवेलेबल होंगे, और सुपर स्पेशलिस्ट से लेकर के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल होंगे। तो कुल मिलाकर के कहने वाली बात यह है कि आने वाले 2024 में एक बहुत ही बड़ा सौगात